साथियों प्रणाम नमस्कार। आज आपसे मैं बात करने वाला हूँ मैजिकल पावर ऑफ सेल्फ टॉक के बारे में, यानी इनर टॉक के बारे में। आइए इसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। हमारे मनोवैज्ञानिक हमें बताते हैं कि एक मानव मस्तिष्क में 60 से 70 हजार विचार प्रतिदिन आते हैं। ये विचार हमारे मस्तिष्क में हर समय, हर लम्हा, हर क्षण, हर पल आते हैं। एक मानव मस्तिष्क से होकर के ये विचार गुजरते हैं। हर विचार की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। इन विचारों में से कुछ सकारात्मक हो सकते हैं, कुछ नकारात्मक भी होते हैं। कुछ विचार हमें हतोत्साहित करने वाले होते हैं, कुछ इनमें से प्रोत्साहित करने वाले होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम हर समय, हर पल अपने आप से बातें करते हैं। जो विचार हमारे मस्तिष्क से होकर गुजरता है वो अपना प्रभाव छोड़ता है, क्योंकि हर विचार की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। और जो विचार इनर टॉक करते समय, अपने आप से बातें करते समय, जो विचार जितनी अधिक बार रिपीट होता है वो उतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। वह इस ब्रह्मांड में, वो इस यूनिवर्स में अपना स्पेस उतना ही ज़्यादा क्रिएट कर लेता है, उतना ही ज़्यादा बलवान हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। वह विचार इस ब्रह्मांड की शक्ति से कनेक्ट हो जाता है और हमारे जीवन में प्रभाव उसके दिखाई देना शुरू हो जाता है। इन 60 से 70 हजार विचारों में ये विचार, हमारे ज़्यादातर विचार जो होते हैं वो किस तरह से प्रभावित होते हैं। हम अक्सर ही सोचते रहते हैं, नौकरी करते समय, बिजनेस करते समय, पढ़ाई करते समय, या हाउसवाइफ हैं, या हम जो भी काम करते हैं, तो वहाँ से भी हमारे विचारों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अक्सर हमारे दिमाग में कोई बात आती है, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मुझे ऐसा करने से क्यों रोका, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, उनको ऐसा करना चाहिए था, अब वो क्या करेंगे, कहीं मेरा जीवन खराब तो नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे मिलने वाले दोस्त मुझसे सकारात्मक व्यवहार क्यों नहीं करते। हम दूसरों से उम्मीदें करते हैं और उनके उम्मीदें खरे ना उतरने पर, उम्मीदों पर खरा ना उतरने पर हमारे मन में फिर और नए विचार उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। तो अक्सर ही हमारी दूसरों से बातें कम होती हैं और अपने आप से, हमसे अपनी बातें अपने आप से ज़्यादा होती हैं कि उनकी तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा, उनकी तबीयत खराब हो गई इस तरह से एक और किसी की हुई थी, वो तो ठीक ही नहीं हुए थे, और ये ठीक होंगे कि नहीं होंगे, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये बीमारी ऐसा क्यों होती है, वो ऐसा व्यक्ति मुझे क्यों बोलता है, मेरे टीम के लोगों ने मेरे से ऐसा व्यवहार क्यों नहीं किया, मेरे अपलायन के दिमाग में ऐसी बात क्यों आई, और वगैरह वगैरह। इसके अलावा दूसरे लोगों के हमारे प्रति जो भावनाएँ या विचार जो होते हैं वो भी हमें इनर टॉक करने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण स्वरूप, महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन, हमने उनके बारे में बायोग्राफी पढ़ी है, सुनी होगी कि जब वो बचपन में स्कूल में पढ़ने जाते थे तो बहुत अधिक प्रश्न करते थे अपनी मैडम से कि पक्षी क्यों उड़ता है, पानी नीचे क्यों गिरता है, ये ऐसा क्यों होता है, और तो जब भी प्रश्न करते रहते थे तो अत्यधिक प्रश्न करने की वजह से उनकी मैडम ने उनको मंद बुद्धि समझ लिया और उनको एक लेख लिख के भी दे दिया, मंद बुद्धि करार दे दिया। अभी किसी एक व्यक्ति को बता दिया जाए कि तुम तो मंद बुद्धि हो, एक बालक को बता दिया जाए तुम मंद बुद्धि हो, तो उसके दिमाग में विचार क्या आएंगे, बार बार वो यही सोचेगा मैं मंद बुद्धि हूँ, मैं मंद बुद्धि हूँ, मैं मंद बुद्धि हूँ, और यही विचार जीवन में प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन वो लेख एडिसन ने अपनी माँ को जाके दिया, माँ ने पढ़ा तो माँ ने एक्चुअल बात नहीं बताई, माँ ने बताया
कि आपकी मैडम ने लिख के भेजा है कि स्कूल के आपके साथ ही क्लास के बच्चे उतने होशियार नहीं हैं, उतने जीनियस नहीं हैं जितने कि आप हो। तो जीनियस बच्चे की पढ़ाई जीनियस की तरह होनी चाहिए, इसलिए कल से मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो माँ ने एक विचार डाल दिया उनके दिमाग में कि आप जीनियस हो, और उस दिन से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं जीनियस हूँ, मैं जीनियस हूँ, मैं जीनियस हूँ। एक पल का अंतर आया, बोलने का अंतर आया। एक पल पहले उनके दिमाग में आ सकता था जीवन भर के लिए कि मैं मंदबुद्धि हूँ, मैं मंदबुद्धि हूँ, और यही विचार उनके जीवन में, उनके दिमाग में घर कर जाता। लेकिन घर किसने किया कि मैं जीनियस हूँ, मैं जीनियस हूँ, मैं जीनियस हूँ, और इस विचार ने एक स्पेस क्रिएट कर लिया, और स्पेस क्रिएट कर लिया तो इस स्पेस ने पूरे ब्रह्मांड में अपने लिए जगह बना ली। सचमुच में थॉमस अल्वा एडिसन एक महान वैज्ञानिक साबित हुए। हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, जो कॉस्मिक ऊर्जा है, कॉस्मिक एनर्जी है, वो इस ब्रह्मांडी ऊर्जा का ही, इस डिवाइन ऊर्जा का ही एक हिस्सा होती है, जो हर पल ही वाइब्रेशन क्रिएट करती है, और उस वाइब्रेशन पर ये यूनिवर्सल पावर या ब्रह्मांड रिवर्ट करता है, और सेम वाइब्रेशन को मल्टीप्लाई करके हमारे जीवन में भेज देता है, और वो घटनाएं हमारे साथ घटना शुरू हो जाती हैं। कोई विचार हमारे मन में आया तो हम सोचते हैं कि ठीक है, वो ब्रह्मांड में जाएगा, तो ब्रह्मांड से वापस आने में तो वक्त लगेगा। तो हमें ये समझना होगा, ब्रह्मांड है कहाँ? ब्रह्मांड कोई ऐसा आसमान में कोई अलग से कहीं नहीं है कि वहाँ से विचार जाएगा, उसके बाद पुष्पक विमान के द्वारा आने में वर्षों लगेंगे। ब्रह्मांड, हम ब्रह्मांड में ही रहते हैं, ब्रह्मांड में ही हैं। आप जहाँ पर हैं, जहाँ बैठे हैं, जहाँ खड़े हैं, वो खड़े ब्रह्मांड की स्पेस ऊर्जा में ही आपका वास है, वहीं पर हम खड़े हुए हैं। और जहाँ पर आप हैं, तो जो जगह आपने घेरी हुई है, उस जगह के अलावा बाकी जगह पर ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की ऊर्जा है। आपका जहाँ हाथ है, हाथ के बगल में जो खाली स्पेस है, वो ब्रह्मांड का हिस्सा है। जहाँ पर आप बैठे हैं, बैठने के अलावा जो और बाकी खाली स्पेस है, वो ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो यानी आप ब्रह्मांड में हैं, हम ब्रह्मांड के अंदर ही हैं, तो कहीं अलग से नहीं आएगा। तो हमको ये समझ में आया कि हमारे विचार एक ऊर्जा का ही एक रूप है, और इनकी अपनी एक फ्रिक्वेंसी है, और ये विचार अपने हिसाब से सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। तो इसका मतलब हमें अपने माइंड के प्रति जो विचार चलते हैं, उनके प्रति हमें अवेयर होना होगा। तो अवेयरनेस चाहिए हमें अपने मन मस्तिष्क के प्रति। यानी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे मन मस्तिष्क की निगेटिव जोन को हमें मिनिमाइज करना है, और पॉजिटिव जोन को हमें मैक्सिमाइज करना है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 60 से 70 हज़ार थॉट्स में हमारे मन मस्तिष्क में कौन से विचार ज़्यादा प्रभावी होने चाहिए, कौन से विचार ज़्यादा बलवान होने चाहिए, कौन से विचार ज़्यादा रिपीट होने चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? जी हाँ, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव को हमें मिनिमाइज करना है, सूक्ष्मतर सूक्ष्म करना है, उनका प्रभाव कम करना है, जागरूकता के माइंड से जागरूक होकर के। और पॉजिटिव जोन को हमें मैक्सिमाइज करना है, यानी बढ़ाना है। यस और नो में से यस को जिताना है, हार और जीत में से जीत को जिताना है, होगा या नहीं होगा में से होगा को जिताना है, लकी या अनलक्की में से लकी को यानी भाग्यशाली को जिताना है। और इस तरह के नकारात्मक ऊर्जा वाले विचार, जैसे कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत में यही लिखा है, काश मैं शहर में पैदा हुआ होता तो, काश मैं एक अच्छे घराने में पैदा हुआ होता तो, काश मैं लंदन में पढ़ा लिखा होता तो, काश मैं उस लीडर की टीम में ज्वाइन हुआ होता तो, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरे दिन बुरे चल रहे हैं, कोई मेरी कदर नहीं करता, मेरी टीम मेरा कहना नहीं मानती, मेरे परिवार में किसी के साथ मेरी नहीं बनती। ये नकारात्मक प्रभाव वाले विचार हैं। हमें जानबूझ करके अपने विचारों में बदलाव लाना है। इन्हीं के बदले
अगर यदि सकारात्मक वाक्य हम बोलते हैं तो उनका प्रभाव भी वैसा ही आएगा। एक महान चिकित्सक नोबेल पुरस्कार विजेता से पूछा गया कि मानव जीवन में सबसे गलत बात क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मानव के जीवन में सबसे गलत कुछ है तो वो ये है कि आदमी ठीक से सोचता नहीं है। जबकि इस समय पर वर्तमान सदी में हम एक गोल्डन समय में हैं, गोल्डन एज में हैं। यह एक आदमी के जीवन काल का या मानवता का या मानव इतिहास का सबसे स्वर्णिम युग है, सबसे गोल्डन एज है। इस समय में आने के लिए हजारों साल पहले के लोग तरसते थे और इस समय को देखना चाहते थे और वे इस गोल्डन एज का महत्व जाने बिना अपने जीवन को, जो कि बहुत ही प्रीसियस है, ऐसे ही साधारण तरीके से निकालते चले जाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, 100 लोगों के ऊपर एक सर्वे करते हैं। कोई एक 100 लोग जो अपनी 25 वर्ष की उम्र में अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, तो उनके बारे में पता करते हैं, क्या ये सभी लोग कामयाब होंगे? इन सभी 100 लोगों के मन मस्तिष्क में एक दृढ़ विश्वास है, जीवन के प्रति चमक है, एक दृढ़ता है, इनकी नज़रों में जीवन एक खूबसूरत यात्रा है, बहुत ही खुश हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं और जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के इनके सपने हैं। इनसे पूछो जीवन कैसा है, बहुत शानदार है। अब यदि देखते हैं 65 वर्ष की उम्र तक होते होते इन 100 लोगों के बारे में पता करते हैं, तो इनमें से एक व्यक्ति अमीर बन चुका होगा, 100 में से एक व्यक्ति अमीर बन चुका होगा, 4 व्यक्ति इंडिपेंडेंट बन चुके होंगे यानी रिटायरमेंट के बाद भी शायद कुछ काम कर रहे हों या रिटायर्ड हुए हों, ठीक ठाक जीवन में होंगे, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं लेकिन ठीक ठाक, और इनको अत्यधिक सीमा में मानते हैं तो 9 तक मान सकते हैं, तो टोटल मिला के कितने हुए? 10। बाकी 90 लोग अपने जीवन में नाकाम। एक पुस्तक है मनुष्य की स्वयं की खोज, वो बताती है कि एक आदमी अपनी अनुरूपता के हिसाब से जीवन में चलना चाहता है, जो उसे अपने हिसाब से ठीक लगता है। 7 वर्ष की उम्र में एक बच्चा पढ़ना शुरू करता है, 25 वर्ष की उम्र में कमाना शुरू करता है और 60 से 65 वर्ष की उम्र तक भी ये नहीं जान पाता कि आत्मनिर्भर कैसे हुआ जाए, इतना छोटी सी बात नहीं सीख पाता। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने अपने जीवन में मेहनत नहीं की, मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी भी कुंजी है जिससे पता चले कि एक आदमी सोच समझकर अपने भविष्य को बनाना चाहे, मन माफिक अपने जीवन को निर्धारित करना चाहे तो उसे किया जा सके, उसे हासिल किया जा सके? सफल होने के लिए अपने आप को सोच समझ करके तैयार किया जा सके? मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं फिर भी औसत जीवन ही जीते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सफल होते हैं, उनके बारे में आपने सुना भी होगा, लोग उनको भाग्यशाली लोग कहते हैं। उनके बारे में लोग बोलते हैं कि ये जिस चीज़ पर हाथ रख देते हैं वो सोना हो जाता है, मिट्टी भी सोना बन जाती है। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने एक बात बोली है, आदमी वैसा ही बनता है जैसा वो पूरा दिन भर सोचता है। और विलियम जेम्स ने एक बात बोली है कि मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यही है कि मनुष्य अपने विचारों में, अपनी सोच में परिवर्तन लाकर अपने जीवन को बदल सकता है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि वांछित चीज़ों को वास्तव में घटित हुआ यानी साकार हुआ वो मान ले, विश्वास कर ले। बाइबल में भी लिखा है
जो विश्वास करता है उसके लिए इस जहां में सब कुछ संभव है। डॉक्टर नॉर्मन विंसन ने कहा कि सोच अगर सकारात्मक होगी तो परिणाम भी सकारात्मक होंगे, सोच नकारात्मक होगी तो परिणाम नकारात्मक होंगे। और विलियम शेक्सपियर का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने बताया है कि हमारी शंकाएं इतनी विश्वासघातिनी हैं कि वे हमें कोशिश करने से भी भयभीत कर देती हैं। उदाहरण समझते हैं कि एक किसान है, उसके पास जमीन है और वो जमीन को उपजाऊ बनाता है, या ऐसे मान लेते हैं जमीन उपजाऊ है। अब उस उपजाऊ जमीन में क्या बीज बोना है ये जमीन को इससे कोई लेना देना नहीं, ये फैसला किसान का होता है। किसान उसमें कुछ भी बोए, वो अन्न बोए, सब्जियां बोए या जहरीला बीज बोए, दोनों उग जाएंगे। जमीन को इससे कोई भी तकलीफ नहीं है या जमीन को इससे कोई भी सरोकार नहीं है। ठीक इसी केस में अब अपने मन को हम जमीन की जगह रख के देखते हैं। हमारे ब्रह्मांड के द्वारा हमारे शरीर में हमको मन मिला हुआ है जो खेत के स्वरूप में है। अब मन को भी कोई सरोकार नहीं है, इसमें क्या बोया जाए, सकारात्मक बीज या नकारात्मक कांटेदार जहरीले बीज, दोनों ही मन को तय करने हैं। मन को इससे कोई सरोकार नहीं है, मन का जो मालिक है उसको तय करने हैं। जबकि जमीन से ज्यादा उपजाऊ होता है मानव का मस्तिष्क, इसमें गलतफहमी, भय, चिंता, असमंजस ये बोया जाए तो खेती के स्वरूप में, फसल के स्वरूप में भी यही मिलेगा। और यदि इसमें सुख समृद्धि और असीम खुशियां बोई जाएं तो फसल के स्वरूप में भी वापस यही मिलेगा। लेकिन चूंकि ये ह्यूमन बीइंग की हैबिट है कि जो चीज़ मुफ्त मिलती है उसको वो महत्व नहीं देता, उसको यानी कह सकते हैं हम महत्व कम देते हैं। जो मुफ्त में मिलता है महत्व हम उनको देते हैं जो हमें मूल्य चुकाने से मिलती हैं। मूल्य जिनका नहीं चुकाना पड़ता, अगर असल मायने में देखें तो वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए हमारा मन मस्तिष्क जो बिना मूल्य चुकाए हमें प्राप्त हुआ है, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, आशाएं, सपने, बुद्धि, परिवार, हमारी आज़ादी, ये हवा, धूप, पानी, प्रकृति से हमें सब कुछ निःशुल्क मिला हुआ है। और जो चीज़ें मूल्य चुका के मिलती हैं पैसे से, उनका उतना महत्व भी नहीं है। एक व्यक्ति जेसीबी मशीन से काम कर रहा था और खुदाई कर रहा था और हजारों टन मिट्टी उठा उठा के एक साइड कर रहा था, तो देखा कि जेसीबी मशीन तो बहुत बड़ी है, उसके अंदर एक छोटा सा व्यक्ति बैठा हुआ है। उस व्यक्ति की खुद की इतनी ताकत नहीं है, लेकिन उसे मशीन का कंट्रोल उसके हाथ में है। मशीन बहुत बड़ी है, मशीन की ताकत बहुत ज़्यादा है, हजारों टन मिट्टी उठा सकती है वो। एक छोटा सा व्यक्ति उस मशीन पर कंट्रोल करके और उस मशीन की क्षमता का पूरा उपयोग करता है, उसको अब हम मन मस्तिष्क की तरह से देख सकते हैं। हम ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमारी खुद की क्षमताएं कम हैं, लेकिन जेसीबी मशीन से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल हमें मन मिला हुआ है और इसका कंट्रोल हमारे हाथ में है। हम कम क्षमता वाले ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम इसका कंट्रोल करके जेसीबी मशीन से भी कई गुना ज़्यादा क्षमताओं वाली भारी भरकम चीज़ हमारे पास में है, वो है हमारा मन। इसका सही उपयोग करके हम इस ब्रह्मांड को भी हिला सकते हैं। ऐसा जितने भी बड़े बड़े विद्वान अभी तक हुए हैं, सभी सफल लोग हुए हैं, उनकी बायोग्राफी, उनकी जीवनी हमें बताती है। अब हमें इतना तो समझ में आ गया कि हमारे विचार बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, चाहे वो सकारात्मक हों या नकारात्मक, वो अपना प्रभाव दिखाते हैं।
अब यदि हम अपने विचारों में बदलाव लेकर के आते भी हैं तो वर्तमान में होने वाली घटनाएं या जिस जीवन को हम जी रहे हैं उनको लेकर के हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड तर्क करता है, क्वेश्चन करता है। उदाहरण के लिए मैं एक विचारों के द्वारा अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ, मैंने अपने विचारों में परिवर्तन किया तो मैंने अपने दिमाग में एक विचार उत्पन्न किया कि मेरा बिजनेस शानदार चल रहा है। तभी कॉन्शियस माइंड चेतन मन एक प्रश्न करेगा कि शानदार अगर ये मेरा बिजनेस चल रहा है तो इस हफ्ते का चेक मेरा इतना कम क्यों बना है, छोटा क्यों बना है। तभी हमारा विश्वास डगमगा जाएगा और जब विश्वास डगमगा जाएगा तो जो विचार हमने उत्पन्न किया कि मेरा बिजनेस शानदार चल रहा है तो वो प्रभाव नहीं दिखाएगा या वो प्रभावी नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आपने बोला कि मेरा जीवन बेहतरीन है और सचमुच में आप एक किराए के मकान में रहते हैं, वहाँ पर आपको कई कष्ट झेलने पड़ते हैं, लेकिन आप अपने आप को एक विचार कमांड देते हैं कि मेरा जीवन बेहतरीन है, सुख सुविधाओं से भरा हुआ है, तो तर्क करेगा हमारा कॉन्शियस माइंड और वो बिलीव नहीं करने के लिए मजबूर करेगा। यानी आप बोलते हैं कि मैं एक शानदार प्रीमियम कार में चलता हूँ, जबकि आपके पास खुद के पास मात्र एक आल्टो या वैगन आ रही है। आप बोलते हैं कि मेरा इस सप्ताह का चेक बहुत ही शानदार है, मैं डायमंड बन चुका हूँ, जबकि असल में आप डायमंड नहीं हैं। तो जब आप कमांड देंगे भी तो आपका कॉन्शियस माइंड कुतर्क करेगा, आपसे सवाल करेगा कि आप तो हो नहीं, फिर क्यों बोलते हो। तो उस कंडीशन में हमारा विश्वास डगमगा जाएगा। अब हमारे पास, क्योंकि ये ब्रह्मांड बोलता है कि जो आपके अंदर विचार है चेतन मन से अगर अवचेतन मन में ट्रांसफर होता है तो ही वो प्रभावी होगा। अवचेतन मन को कोई तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है, ना वो करता है, वो चुपचाप भरोसा कर लेता है, आप कुछ भी बोलो। क्वेश्चन करने वाला हमारा चेतन मन ही है। इसलिए जब भी हम कोई कमांड देंगे या विचार करेंगे तो चेतन मन क्वेश्चन करेगा। अब हमें ये देखना होगा कि इसको हम प्रभावी कैसे बनाएं। तो ऐसा बोला जाता है, सभी विद्वान लोग बोलते हैं कि अफर्मेशंस के द्वारा, पॉजिटिव सकारात्मक अफर्मेशंस के द्वारा हम अपने विचारों को चेतन मन से अवचेतन मन में ट्रांसफर करते हैं। और जब ये विचार चेतन मन से अवचेतन मन में ट्रांसफर हो जाते हैं तो ये हमारे जीवन को बदल देने वाली ताकत बन जाते हैं। प्रकृति ने जो हमें हमारा शरीर दिया है यह बहुत ही ताकतवर, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही कई तरह की अदृश्य शक्तियों से, ऊर्जाओं से बना हुआ है। इसको हम इस तरह से समझते हैं कि हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी है और इस रीढ़ की हड्डी में मुख्य रूप से 7 प्रकार के चक्र होते हैं। इन मुख्य 7 चक्रों में सबसे पहला जो चक्र होता है उसको हम रूट चक्र या मूलाधार चक्र भी कहते हैं। जहां पर हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहां पर ये चक्र स्थित होता है, मूलाधार चक्र। यह पृथ्वी तत्व से जुड़ा होता है, इसको आधार चक्र भी कहा जाता है या रूट चक्र कहा जाता है। यह हमारे जीवन में सुरक्षा, सेफ्टी, सिक्योरिटी और हमारे स्वास्थ्य को बनाने वाला चक्र होता है। ये सारी चीजें इसी चक्र से जुड़ी होती हैं। इसका रंग लाल होता है। इसके बाद हमारी नाभि से तकरीबन 2 इंच नीचे दूसरा चक्र होता है जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। ये चक्र क्रिएटिविटी का, सृजन का प्रतीक होता है। हमारे जीवन में हमारे द्वारा जितने भी सृजनात्मक कार्य किए जाते हैं उन सभी का कंट्रोल इसी चक्र के पास होता है। जिनको जीवन में आगे बढ़ने का शौक है, इनके जीवन में पैशन है,
जो जीवन को जिंदा दिली से जीना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, वो सारी क्षमताएं इस चक्र के द्वारा संचालित की जाती हैं। इसके बाद इस चक्र का रंग नारंगी होता है। इस चक्र के बाद तीसरा चक्र, जो कि हमारी नाभि से 2 या 2.5 इंच ऊपर होता है, इसे मणिपुर चक्र कहा जाता है। यह चक्र आत्मसम्मान के लिए, फियरलेस होने के लिए, जीवन में पद, यश, धन, इन सभी को कंट्रोल करने वाला चक्र होता है। यह चक्र सूर्य तत्व से जुड़ा होता है। निर्भयता, निडरता, कॉन्फिडेंस, मान सम्मान, पैसा, समृद्धि, ये सारी चीज़ें जिनके जीवन में सूर्य तत्व ज़्यादा होता है, उनको ये सारी चीज़ें यश, वैभव, सम्मान, नाम, प्रतिष्ठा सभी प्राप्त होते हैं। तो मणिपुर चक्र हमारा सूर्य तत्व से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अगला चक्र, जो हमारी छाती के अंदर स्थित होता है, इसे हम अनाहत चक्र कहते हैं। अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र भी कहा जाता है। इसका रंग हरा होता है। यह जीवन में अच्छे संबंधों के लिए प्रेम, करुणा, दया, सेवा भाव, कृतज्ञता का भाव, ग्रेटिट्यूड, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने वाला चक्र हृदय चक्र कहलाता है। जब भी इम्बैलेंस होता है तो इसके उलट जीवन में होना शुरू हो जाता है। और इसके बाद अगला चक्र है, जो कि हमारे कंठ में होता है, गले में, कंठ में, इसको कंठ चक्र कहा जाता है या विशुद्धि चक्र कहा जाता है। यह कम्युनिकेशन स्किल, जीवन में मधुरता, वाणी में मिठास, इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। और इसके बाद अगला चक्र है 6वां चक्र, आज्ञा चक्र, 3rd eye चक्र, दोनों भौहों के बीच में जहां पर त्रिनेत्र की का स्थान होता है, 3rd eye चक्र यानी आज्ञा चक्र बोला जाता है। यह चक्र दिल और दिमाग के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाला चक्र होता है। यह हमारी इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है। और इसके बाद सबसे आखिरी में जो चक्र होता है वो क्राउन चक्र कहलाता है, सहस्राद चक्र कहलाता है। और ये हमारे सर के ऊपर, ठीक ऊपर जहाँ पर क्राउन हमारा होता है, ये वहाँ पर स्थित होता है। ये जीवन में ब्लेसिंग्स के लिए, दुआओं के लिए, आशीर्वाद के लिए चक्र माना जाता है। तो मैंने इन चक्रों के बारे में चर्चा क्यों की? मैंने इन चक्रों के बारे में चर्चा इसलिए की क्योंकि हमारे जीवन में हम चमत्कार होते हुए देखना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं इनर टॉक के बारे में, जो विचार हमारे द्वारा ही हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, उन विचारों का महत्व, तो उनके लिए इन चक्रों का भी बहुत बड़ा महत्व है। आइए समझते हैं। जैसा कि हमने समझा कि हमारे विचार ऊर्जा का ही स्वरूप हैं, उनमें बदलाव करके हम अपने जीवन की ऊर्जा को बदल सकते हैं और इसको ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट करना ही का हमारा अभी मकसद है। तो आप एक उदाहरण से समझते हैं। आपने आंखें अपनी बंद की और पूरे शांत भाव से अपने रीढ़ की हड्डी के नीचे, जहां पर यह हड्डी खत्म होती है, मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान लगाया
जो कि सब चीजों का आधार है, और आपके मन मस्तिष्क में मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाते हुए आपके मन मस्तिष्क में एक विचार आया कि मुझे मेरी मनपसंद कार प्राप्त हो चुकी है, मुझे मेरी मनपसंद कार प्राप्त हो चुकी है, मुझे मेरी मनपसंद कार प्राप्त हो चुकी है। और ये मूलाधार से होते हुए दूसरे चक्र में, फिर तीसरे चक्र में, फिर चौथे चक्र में, फिर पांचवें चक्र में, फिर आज्ञा चक्र में, फिर क्राउन चक्र से होते हुए आपके शरीर में, आपके रोम रोम में, आपके ब्लड में, आपकी बाजुओं में, आपके जहन में, आपकी हर नाड़ियों में से एक ही आवाज़ आ रही है कि मुझे मेरी मनपसंद कार प्राप्त हो चुकी है, मुझे मेरी मनपसंद कार प्राप्त हो चुकी है। क्राउन चक्र से होते हुए ये वाइब्रेशन धीरे धीरे आपके आसपास के माहौल में घुलता है, मिलता है, और आपके चारों ओर से यही एक आवाज़ आ रही है, मुझे मेरी मनपसंद कार प्राप्त हो चुकी है। जहाँ आप हैं, जिस कमरे में हैं, उस कमरे में आवाज़ गूंज रही है। कमरे से बाहर निकल करके पेड़ों पर, हवा में, धीमे धीमे पहाड़ों में, नदियों में, पूरे गांव में, पूरे शहर में, धीमे धीमे हर जगह वातावरण में, हर सुगंध में, हर जगह से एक ही आवाज़ गूंज रही है, मुझे मेरी मनपसंद कार प्राप्त हो चुकी है, मुझे मेरी मनपसंद कार प्राप्त हो चुकी है। और आप देखेंगे पृथ्वी पर और पृथ्वी से ऊपर भी इस वायुमंडल में, हवा में, इस ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में एक ही आवाज़ गूंज रही है। अब आप अपनी आँखें भी खोलेंगे तो आँखें खोलने के पश्चात भी आपको ऐसे आपके कानों में एक ही धुन, एक ही आवाज़ सुनाई देगी, जैसे मानो पूरा ब्रह्मांड एक ही बात बोल रहा है कि मुझे मेरी मनपसंद कार प्राप्त हो चुकी है, मनपसंद कार प्राप्त हो चुकी है। ये एनर्जी ब्रह्मांड में से उस ऊर्जा से कनेक्ट होगी और आपके जीवन में उस आपके बोले हुए शब्द को सचमुच में साकार हर हाल में कर देगी। जितने भी लोग सफल हैं, जितने भी लोग विद्वान हैं, जितने भी लोग टॉप पर हैं, वो सभी अफर्मेशन की शक्ति का प्रयोग करते हैं, वो सभी इनर टॉक यानी सेल्फ टॉक पर ध्यान रखते हैं, वो अपने विचारों पर ध्यान रखते हैं और उन्होंने इसको अपने हैबिट में डाल दिया है। उनके मुख से, उनके शब्दों में सकारात्मक वर्ड्स सबसे अत्यधिक होते हैं, उनके विचारों में सकारात्मकता है, उनकी वाणी में पॉजिटिवनेस है, और ये सकारात्मकता उनके चारों ओर के माहौल में घुल मिल जाती है और उनकी हैबिट में शामिल हो चुका है। वो हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक चीज़ों को ही देखते हैं, सकारात्मकता को ही देखते हैं, सकारात्मक शब्दों को ही चुनते हैं, सकारात्मक चीज़ों को ही चुनते हैं, और किसी व्यक्ति के अंदर सकारात्मक तत्व को ही खोजते हैं। इसलिए अब हमको भी अफर्मेशन के द्वारा, बोलने की शब्दों की शक्ति के द्वारा, अपने विचारों में यानी खुद से सेल्फ टॉक यानी इनर टॉक करते वक्त हर समय ध्यान रखना है। जब मैं कोई बात करता हूँ तो मैं हूँ, ये पूरा वाक्य है, मैं हूँ, आई एम, तो मैं हूँ के बीच में जो खाली स्पेस है उसमें जो आप भरते हैं वो आपके जीवन में मायने रखता है। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, तो दो अलग अलग वाक्य हुए। मैं हूँ तो एक ही वाक्य है, लेकिन बीच के खाली स्पेस में जो हमने लगाया, भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली, तो दोनों ही हमारे जीवन पर प्रभाव डालने वाला होता है। तो अब मैं हूँ के बीच का जो खाली स्पेस है उसमें हमें शब्दों को चुन चुन के भरना है, चुन चुन के वाक्य बनाने हैं,
चुन चुन के वाक्य सजाने हैं, और इन वाक्यों को चुनने में, इन वाक्यों को सजाने में मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ। मैंने अपने जीवन में भी इन शब्दों का, सेल्फ टॉक का, इनर टॉक का महत्व समझा, और मेरे बिजनेस लाइफ में भी जब एक बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा था तब भी मेरे अपलायन बताते थे इन बोलने के शब्दों की शक्ति को, इनर टॉक को, सेल्फ टॉक को। वो खुद भी जब भी मैं उनके साथ रहता था तो हमेशा ही वो जानबूझ के रिकॉर्डिंग करके इसको सुनते थे ऑडियो वॉइस के माध्यम से, और मैं इन सारी चीज़ों को नोटिस करता था। तो मैंने भी इनको प्रयोग करना शुरू किया, और मैं अपनी अपलायन को बोलता था कि सर, जब बोलता था तब मेरा बिजनेस ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था, सेल बहुत कम जाती थी, तो मैं उनको बताता था कि सर, मेरे अपलायनों के बाद इस पूरे भारत में सबसे बड़ी टीम, सबसे स्ट्रांग टीम हमारी होने वाली है, सबसे बड़े अचीवमेंट हमारे होंगे, एक ऐसी टीम बनेगी, ड्रीम टीम, जिसको देख करके आपको गर्व महसूस होगा, आपको प्राउड फील होगा, ऐसी ड्रीम टीम बनेगी। तो हम उस समय भी ड्रीम टीम के बारे में बोलते थे और भरोसा करते थे, और हमको सचमुच में भरोसा था कि ड्रीम टीम बनेगी, क्योंकि जो आप बोलते हैं उस पर आपका भरोसा भी कायम होना चाहिए। तो आइए, मैं हूँ दोनों के बीच के जो खाली स्पेस है उसमें हमें क्या भरना है, उसके लिए मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं, और आपकी मदद करने के लिए मैं उनको आपके साथ पढ़ के सुना रहा हूँ। तो आइए, अब वक्त है अफर्मेशंस को सुनने का, उनको समझने का, और आप चाहें तो सोने से पहले इन अफर्मेशंस को आप सुनते हुए सो सकते हैं, और जब सो के उठते हैं सुबह तब भी इनको आप सुन सकते हैं। जब भी आप खाली होते हैं, कोई ट्रैवलिंग करते हैं ट्रेन में या बस में, उस समय भी सुन सकते हैं। तो आइए, उन वाक्यों को मैं आपके साथ समक्ष दोहराता हूँ। वक्त है अफर्मेशन का। मैं हर पल हर क्षण मेरे रोम रोम से इस ब्रह्मांड की समस्त डिवाइन शक्तियों का कोटि कोटि धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं हर पल हर क्षण मेरे रोम रोम से इस ब्रह्मांड की सभी डिवाइन शक्तियों का पद्मों पद्म धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं मेरी हर श्वास में उस असीम, दिव्य, अलौकिक ब्रह्मांड को रचने वाली शक्ति का स्मरण कर पद्मों पद्म धन्यवाद देता हूँ। मैं मेरी हर श्वास में उस असीम, दिव्य, अलौकिक ब्रह्मांड को रचने वाली शक्ति का स्मरण कर पद्मों पद्म धन्यवाद देता हूँ। मैं मेरे अंदर उस शक्ति का हमेशा ही हर पल हर क्षण एहसास करता हूँ। मैं मेरे अंदर उस शक्ति का हमेशा ही हर पल हर क्षण एहसास करता हूँ। पूरे ब्रह्मांड की समस्त आकाश गंगाओं में, समस्त सौर मंडलों में समाने वाली पूरी मानवता का ख्याल रखने वाली उस शक्ति को नमन करता हूँ। पूरे ब्रह्मांड की समस्त आकाश गंगाओं में, समस्त सौर मंडलों में समाने वाली पूरी मानवता का ख्याल रखने वाली उस परम शक्ति को नमन करता हूँ। ईश्वर ने मुझे
सफल और समृद्ध होने के लिए पसंद किया है। ईश्वर ने मुझे सफल और समृद्ध होने के लिए पसंद किया है ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। मदद करने में मैं हमेशा खुशी महसूस करता हूं। मैं मदद करने में हमेशा खुशी महसूस करता हूं। मेरे जीवन में हर रोज एक महान सुबह होती है। मेरे जीवन में हर रोज एक महान सुबह होती है जो मेरे लिए खुशियों की सौगात लेकर आती है। दसों दिशाओं से मेरे जीवन में खुशियां, सफलता, समृद्धि लगातार आ रही हैं। दसों दिशाओं से मेरे जीवन में खुशियां, सफलता, समृद्धि लगातार आ रही हैं। मेरा अवचेतन मन चुंबक की तरह काम करता है। मेरा अवचेतन मन चुंबक की तरह काम करता है जो समस्त खुशियों को मेरे जीवन में आकर्षित करता है। मेरा अवचेतन मन चुंबक की तरह काम करता है जो समस्त खुशियों को मेरे जीवन में आकर्षित करता है। मैं मेरे सारे फाइनेंशियल गोल को आसानी से हासिल कर लेता हूँ। मैं मेरे सारे फाइनेंशियल गोल को आसानी से हासिल कर लेता हूँ। मैं जिस काम को भी करता हूँ उसमें लाभ ही लाभ होता है। मैं जिस काम को भी करता हूँ उसमें लाभ ही लाभ होता है। मैं जिस काम को भी हाथ लगाता हूँ उसमें लाभ ही लाभ होता है। मैं मेरे फाइनेंशियल गोल को आसानी से अचीव कर लेता हूँ। मैं मेरे फाइनेंशियल गोल को आसानी से अचीव कर लेता हूँ। मेरे बिजनेस में हर रिकॉग्निशन लेवल को समय सीमा से पहले मैं हासिल कर लेता हूँ। मेरे बिजनेस में, मेरे महान बिजनेस में हर रिकॉग्निशन लेवल को समय सीमा से पहले मैं हासिल कर लेता हूँ। हर दिन की सुबह मेरे जीवन में मेरी तरक्की के लिए नया अवसर लेकर आती है। मेरी जुबान से निकलने वाला हर शब्द सकारात्मक और कल्याणकारी है। मेरी जुबान से निकलने वाला हर शब्द सकारात्मक और कल्याणकारी है। मेरा अवचेतन मन मनी मैग्नेट की तरह काम करता है। मेरा अवचेतन मन मनी मैग्नेट की तरह काम करता है। सफलता और पैसा अपने आप मेरे पास खींचा चला आता है। मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता ही जाता है। इस पैसे और सफलता को संपूर्ण सम्मान और खुशी के साथ स्वीकार करता हूँ। मैं इस पैसे और सफलता को संपूर्ण सम्मान और खुशी के साथ स्वीकार करता हूँ। मेरा पैसा हमेशा पॉजिटिव रास्तों से ही आता है। मैं इस पैसे का इस्तेमाल हमेशा कल्याण के लिए ही करता हूँ। मैं हमेशा उत्तम और आदर्श जीवन जीने में भरोसा करता हूँ। मैं हमेशा उत्तम और आदर्श जीवन जीने में भरोसा करता हूँ। मैं मेरे परिवार को बेस्ट लाइफस्टाइल देने में भरोसा करता हूँ।
मैं मेरे टीम के साथियों के साथ मिलकर उनको ड्रीम लाइफ अचीव कराने में भरोसा करता हूँ। मेरा परिवार और मेरी टीम दोनों ही सुखी व समृद्ध हैं। मैं, मेरा परिवार और मेरी टीम सभी सुखी और समृद्ध हैं। हम सभी एक दूसरे का साथ समय एंजॉय करते हैं। मेरे पास आलीशान मकान है जो सभी सुख सुविधाओं से युक्त है। मेरे पास मेरी सारी मनपसंद कारें हैं। मैं मेरी टीम और मेरे देश के लिए कुछ बेहतर करने में विश्वास रखता हूँ। मेरा मानना है अमीर बनना आसान है। मैं पैसे का उपयोग सकारात्मक रूप से करता हूँ। मेरा बिजनेस पूरे भारत में लगातार फैल रहा है। मेरी टीम एथिक्स के साथ काम करने में बिलीव करती है। मेरे लीडर्स यूनिटी के साथ काम करने में बिलीव करते हैं। मेरे सभी लीडर्स दिन प्रतिदिन समृद्ध हो रहे हैं। मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूँ और हर रोज मेरी समृद्धि बढ़ रही है। मेरा अवचेतन मन मनी मैग्नेट की तरह काम करता है। इस डिवाइन पावर ने, इस ब्रह्मांड की शक्ति ने मुझे चुना है इस सफलता के लिए, इस समृद्धि के लिए, इन चमत्कारों के लिए, ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं, दूसरों की और टीम की मदद करने में मुझे खुशी महसूस होती है। मेरा महान बिजनेस उम्मीदों से ज़्यादा अच्छा चल रहा है। मेरी महान टीम महान सफलता हासिल कर रही है। मेरी टीम में अधिकांश लीडर हमेशा टारगेट क्वालिफाई करते हैं। मेरी टीम में पूरे भारत में नए सिटी, नए वेन्यू लगातार डेवलप होते जाते हैं। मेरी टीम में महान लीडर्स लगातार कोर ट्रेनिंग लेकर के महान लीडरशिप को हासिल करते जाते हैं। मेरी टीम में वेन्यू प्लान, वेन्यू ट्रेनिंग्स पूरे भारत में लगातार बहुत बड़ी संख्या में होते जाते हैं। मेरी टीम में सभी लोग थ्री कार्डिनल रूल, थ्री पावर्स को फॉलो कर रहे हैं। मैं भी स्वयं थ्री पावर्स और थ्री कार्डिनल रूल को फॉलो करने में विश्वास रखता हूँ। मेरे सभी के साथ परिवार में, समाज में, टीम में, अपलाइन के साथ मधुर संबंध हैं। मैं अपने अपलाइन लीडर्स का फेवरेट लीडर हूँ। मैं अपने लक्ष्य को हमेशा ही समय से पहले प्राप्त कर लेता हूँ। मेरे भीतर लीडरशिप के गुण लगातार विकसित होते जाते हैं। मैं स्वयं अचीवर हूँ और मेरी टीम भी अचीवर है। मेरा पैसा मेरे लिए काम करता है जो मल्टीप्लाई होकर मुझे प्राप्त होता है। मनचाही प्रॉपर्टी मुझे प्राप्त हो चुकी है।
स्टार क्रूज की विदेश यात्रा पर मैं अपनी टीम के लीडर्स के साथ जाने की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा स्वास्थ्य उत्तम रहता है, मेरे परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ हैं, समृद्ध हैं और खुश हैं और सुरक्षित हैं। मैं और मेरा परिवार व टीम धन का हमेशा सम्मान करते हैं। मेरा हर दिन नए अवसरों से भरा और सही फैसलों का दिन होता है। मेरे भीतर जाती हर श्वास आत्मविश्वास दृढ़ता को बढ़ाती है। बाहर जाती हर श्वास निराशा संदेह को बाहर निकालती है। मैं अपने अंदर अनंत संभावनाएं समेटे एक खास इंसान हूँ। मैं बुद्धिमान हूँ, हमेशा सही फैसले लेता हूँ। मैं सफल हूँ और सौभाग्यशाली हूँ। मैं आभारी हूँ जो मेरे पास है उस सब के लिए। मैं संपूर्ण हूँ और संपन्न हूँ। मैं काबिल हूँ, स्वतंत्र हूँ, सक्षम हूँ। मैं खुद से प्यार करता हूँ, मेरे लिए सब कुछ मुमकिन है। मेरे रोम रोम में सकारात्मक ऊर्जा का बहाव होता है। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं दयालु हूँ। मेरे अंदर की रचनात्मक शक्ति द्वारा असीम उपलब्धियों को मैं हासिल कर लेता हूँ। मेरा परिवार पूरी तरह से संस्कारी है। मैं मेरी समृद्धि, अमीरी, टीम की प्रसन्नता, सुख शांति के लिए इस दिव्य शक्तियों का आभार मानता हूँ। मैं आभारी हूँ सभी दिव्य शक्तियों का। मैं आभारी हूँ इस ब्रह्मांड की शक्तियों का। मैं आभारी हूँ अपने सभी गुरुजनों का। मैं आभारी हूँ अपने सभी मेंटरों का। मैं आभारी हूँ अपनी महान ग्रेट अपॉर्चुनिटी का। मैं आभारी हूँ अपने परिवार का। मैं आभारी हूँ मेरे सभी भला चाहने वालों का। मैं आभारी हूँ इन सभी दिव्य शक्तियों का। मैं आभारी हूँ ब्रह्मांड की सभी शक्तियों का। मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। आपके जीवन में ढेर सारे अचीवमेंट आए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।